सो नीट 2023 इज जस्ट 4 months अवे और पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स अनइंटेंशनली इस पीरियड ऑफ टाइम में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो आगे चल के उनकी वर्स्ट मिस्टेक्स बन जाती हैं। नीट एक बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पे छोटी सी गलती भी आपकी रैंक को 1000 से 2000 नीचे गिरा सकती है। इसलिए मैक्सिमम हम लोग को ये ट्राई करना है कि हम लोग गलतियाँ अवॉइड करें, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें। और ये सब चीज़ एक ही चीज़ से आती है, जो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? टेस्ट दे करके। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़े लॉस पे हैं, क्योंकि लास्ट जो ये 4 महीने हैं इसके अंदर आप मैक्सिमम टेस्ट देने का ट्राई करें। और क्योंकि टेस्ट देने से हम लोग को अलग अलग तरह के क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे और बाद में अगर आपकी कुछ गलती होती है उस टेस्ट में तो वो क्वेश्चन के सोल्यूशन जो होते हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक दूसरी चीज़ भी है कि बहुत ज़्यादा ही टेस्ट दे देना और उसको एनालाइज ही नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, दिन में 2 टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस टेस्ट देने का कुछ मतलब नहीं। बहुत सारे टेस्ट देना विदाउट एनालिसिस इज इक्वल टू टेस्ट देना ही नहीं, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है ना। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ गलती, कि आपको कहाँ पे और प्रिपरेशन करनी है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है। तो इसीलिए टेस्ट दो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, और उसको अच्छे से एनालाइज करो। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक को मिस कर रहे हैं, जो कि है एनसीईआरटी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है मत पढ़ो, लेकिन बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बहुत मतलब ट्रूमैन्स बुक भी होती है वो पढ़ रहे हो, मतलब बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हो, या फिर जो आपके कोचिंग मॉड्यूल हैं उसको पढ़ रहे हो लेकिन एनसीईआरटी पढ़ी नहीं रहे, तो ऐसा मत करो। एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन वाले क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे गए, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है, आप एनसीईआरटी को आराम से पढ़ सकते हैं, 1-2-3 बार पूरी रीड कर सकते हैं। बहुत ही छोटी बुक है, बहुत ही कंसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एक और चीज़ है चेंजिंग योर सॉल्विंग पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली, मतलब कि अगर आप पहले फिजिक्स सॉल्व करते हैं, उसके बाद बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, तो ये आपका पैटर्न हो गया सॉल्व करने का। और ये पैटर्न आपका फिक्स होना चाहिए हर टेस्ट के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए भी। इस पैटर्न को रैंडमली चेंज करते रहना, कभी ये पहले कर देना, कभी ये पहले कर देना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है एग्जाम के टाइम पर। क्योंकि और ये आप ट्राई कर खुद देख सकते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न से ही सॉल्व कर रहे हैं तो आप अगले एग्जाम में ट्राई करना, मतलब जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें ट्राई करना कि मैं इसको चेंज करता हूँ। अब चेंज करने आपको समझ में आएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाएगा उस एग्जाम में और टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए इसको चेंज करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है मेन एग्जाम में। बहुत सारे लोग चेंज करते हैं और उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इन केस अगर आप अभी तक इसको रैंडमली करते आ रहे थे, तो अभी जो बहुत टाइम बचा है उसमें जितने भी मॉक टेस्ट देने वाले हो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही दो, उसको फिक्स करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसा रिकमेंड करूंगा कि पहले बायोलॉजी करना, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स लेंदी हो सकता है तो उसको लास्ट के लिए लोग रख सकते हैं। बायोलॉजी जल्दी खत्म हो जाती है, उसके बाद केमिस्ट्री भी जल्दी खत्म हो जाती है, फिर एंड का पूरा टाइम हम लोग फिजिक्स को दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो फिर बहुत बड़े लॉस पे चल रहे हैं आप लोग। और बाकी स्टूडेंट्स जो आपके साथ में जो पीयर्स हैं, अगर वो ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बार एलिटिस भी रिपीट हुए। यही सब मेन पॉइंट्स थे, इनके अलावा कुछ और मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कि आपको खाना पूरे टाइम का अच्छे से खाना है, स्किप नहीं करनी है मील्स, 7 घंटे की नींद हर दिन लेना जरूरी है, क्योंकि फिर आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आपको नींद आती रहेगी, इसलिए 7 घंटे की नींद मिनिमम लेनी चाहिए। कभी कभी आप पूरे दिन अगर पढ़ते रहे बैठ के तो आपको कभी ओवर एक्जर्शन हो सकता है, तो इसके लिए बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, उसमें कोई लीजर एक्टिविटी कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, फिर वापस आके आप ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। तो दैट्स इट, इतने कुछ मिस्टेक्स थे जो कि हो सकता है बहुत सारे आप लोग कर रहे हो, तो ये मिस्टेक्स आगे मत करो, अभी बहुत सारा टाइम बचा है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।